हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन निर्जु गुरु क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नेमिंग पे बात करेंगे। और एक चीज जान लो कि ये जो आईयूपीएसी नेमिंग वाला जो पार्ट है, इसके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में कंपल्सरी पूछे जाते हैं। अभी 2020 के जनवरी ले लीजिए या सेप्टेम्बर के जेई के पेपर्स ले लीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इकलौता ऐसा लेसन रहा है जिससे दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसमें आईयूपीएसी नेमिंग आया है। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान देना। तो आज हम आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं, बट उसको स्टार्ट करने से पहले आप सबको क्या सीखना पड़ेगा, रूल्स फॉर आईयूपीएसी नेमिंग। रूल्स फॉर आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये रूल्स क्या होंगे, इनको कैसे डील करना है, मैं एक एग्जांपल के साथ सारी बातें आप लोगों को सिखाते जाऊंगा ताकि आपको चीजें रटने या याद करने का स्ट्रेस ना लेना पड़े दिमाग पर। तो चलो देखो, पहला रूल होता है कि नेमिंग शुड कंसीडर, ध्यान देते रहना, नेमिंग शुड कंसीडर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसका मतलब क्या होता है, चलो मैं दिखा रहा हूं। जनरली मैंने अपने पहले वीडियो में ये एक्सप्लेन कर दिया था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेंगे वो हमेशा चार टाइप के लिए जाते हैं, जिसमें दो इंपॉर्टेंट है। पहला ऐसा रहेगा कि मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है K4FeCN6। तो डियर स्टूडेंट, जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो आपको पता है पोटेशियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा और FeCN6, बिकॉज यहाँ चार पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, 4 नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड पहले न्यूट्रल था तो बाद में भी न्यूट्रल होगा, तो जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किए हो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू भी उतनी आई, ताकि एक दूसरे को एलो डिफ्यूज के खत्म कर दे। इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, ये केटायन है। केटायन क्या है, सिंपल कोऑर्डिनेशन स्पीयर के बाहर जो आयन होते हैं उसको हम लोग सिंपल आयन का नाम देंगे। तो यहाँ केटायन सिंपल है और कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, एनायन, और वो कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड। तो केटायन सिंपल और कॉम्प्लेक्स आयन जो है हमारा वो नेगेटिव है, एनायन बना है। तो इस टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक टाइप के बनेंगे। और दूसरा मान लो ऐसा बनेगा, मान लीजिए हमारे पास AgNH3 2SCl है। इसको बच्चे जब आप सेपरेट करेंगे तो आप क्या पाएंगे, ध्यान से समझना, यहां पर एनायन सिंपल है और केटायन कॉम्प्लेक्स है। इस क्वेश्चन में केटायन सिंपल था, एनायन कॉम्प्लेक्स था। इन दोनों ही टाइप के क्वेश्चन में एक चीज याद रखो, कभी भी अगर आप नेमिंग कर रहे हो तो नेमिंग हमेशा लेफ्ट से राइट जाएगी। दैट मींस कि जो पहले पड़ जाए, जो सबसे लेफ्ट में पड़े, आप उसकी नेमिंग पहले करेंगे। तो यहां पर पोटेशियम पहले आया तो पहले इसकी नेमिंग होगी, फिर आप स्पीयर की नेमिंग करेंगे। और स्पीयर की नेमिंग में आपको पता है हमेशा दो लोग आएंगे, स्पीयर के अंदर हमेशा दो लोग आते हैं, पहले से जानते हम लोग, एक लिगेंड और दूसरा सेंटर मेटल। अगर ये वाला क्वेश्चन होगा तो इसमें पहले किसकी नेमिंग करूंगा मैं, कॉम्प्लेक्स की कि सिंपल की? तो बच्चों मैंने अभी बोला हमेशा लेफ्ट से राइट जाना, लेफ्ट में पहले कौन पड़ा, कॉम्प्लेक्स आयन। तो इस कॉम्प्लेक्स के आयन की नेमिंग आप पहले करेंगे और सिंपल आयन की नेमिंग लास्ट में करेंगे। जो जितना राइट में होगा उसकी नेमिंग उतनी बाद में होगी। पर यहां मत समझना कि इसमें सर अमोनिया राइट में है और एजी पहले है तो एजी की नेमिंग पहले और अमोनिया की बाद में होगी, ऐसा नहीं है। जो स्पीयर होगा, कोऑर्डिनेशन स्पीयर होगा, उसके अंदर हमेशा दो लोग आएंगे, पहला कौन होगा, मेटल, और दूसरा लिगेंड। याद रखना लिगेंड की नेमिंग मेटल से पहले होगी। जितने भी लिगेंड रहे, डिफरेंट टाइप के भी लिगेंड रहेंगे, सारे लिगेंड्स की नेमिंग आप पहले करेंगे, देन मेटल की नेमिंग करेंगे। क्लियर? अब चलिए, पहला रूल आई होप सो सबको समझ में आया। सेकेंड रूल होता है, सेकेंड रूल बच्चों रिलेट करता है नंबर को डिटरमाइन या नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहां पर 4 नंबर है, 4 को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, टेट्रा। और यहां कितना नंबर है, 6, उसको क्या बोलते हैं, हेक्सा। पर यहां आईपीसी नेमिंग जब आप करेंगे तब आपको एक स्पेशल पॉइंट को ध्यान देना है, और वो स्पेशल पॉइंट है बच्चों, उसको मैं लिख दे रहा हूं, नेवर यूज डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स, वही जो भी ट्राई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, विथ सिंपल आयन। मतलब समझो,
फोर पोटेशियम एटम है, ये सिंपल आयन है और ये कॉम्प्लेक्स आयन है। इतना सबको समझ में आ रहा है, सिंपल आयन मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्पीयर के बाहर रहे, चाहे लेफ्ट में बाहर रहे चाहे राइट में बाहर रहे। बच्चों आपसे कह रहा है कि जो सिंपल आयन है उसके जो नंबर्स है आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कितने पोटेशियम थे, फोर, तो आप इसको क्या कहते हैं, टेट्रा पोटेशियम। बट ऐसा कहना मत, केवल आप इसके लिए क्या यूज करेंगे, पोटेशियम। अगर यहाँ के टू रहता तो भी आप क्या बोलते हैं, पोटेशियम। के थ्री रहता तो भी आप क्या बोलते हैं, पोटेशियम। बिकॉज डाई ट्राई टेट्रा ये सब जो प्रिफिक्स लगते हैं ये सिंपल आयंस के साथ यूज नहीं करते। तो किसके साथ करते हैं, तो करते हैं हम लोग लिगेंड्स के साथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाई ट्राई टेट्रा ये सब जो प्रिफिक्स हैं आप सिंपल आयंस के साथ यूज नहीं करेंगे। यहां फोर पोटेशियम भी है तब भी आप केवल पोटेशियम बोलेंगे। बट जो लिगेंड्स होते हैं उनकी नंबरिंग के लिए आप इन सब प्रिफिक्स का यूज करेंगे। तो रूल नंबर थ्री तो बच्चों आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया कि द नंबर ऑफ लिगेंड्स आइडेंटिफाइड या गिवन बाय प्रिफिक्स डाई ट्राई टेट्रा, मतलब ये जो डाई ट्राई टेट्रा ये सब जो प्रिफिक्स है जो भी नंबर होगा वो सब केवल किसके लिए यूज करने हैं, लिगेंड्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसको तो मैं केवल पोटेशियम बोलूंगा बट मैं इसको केवल साइनो नहीं बोल सकता, इसको मैं हेक्सा साइनो के नाम से जानूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसी में बच्चे एक चीज और जान लीजिए कि कई बार ऐसा भी होगा ना कि कुछ लिगेंड्स ऐसे आएंगे जिनमें ऑटोमेटिकली आप न्यूमेरिकल लेटर्स यूज कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल इथिलीन डाइएमिन या इथिलीन डाइएमिन अगर मैं बोल रहा हूं तो उसमें डाइवर्ड पहले से है, और अगर मान लीजिए मैंने यहां पर EN2 दे दिया तो अब आप इसकी नेमिंग क्या करेंगे, डाई इथिलीन डाइएमिन। रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स, वर्ड्स क्या हो रहे हैं, रिपीट। इसीलिए इफ लिगेंड्स या इफ लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा रूल, इज या इफ लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑल्सो है न्यूमेरिकल नंबर देन यूज स्पेशल प्रिफिक्स। उनके लिए आप कौन सा प्रिफिक्स यूज करेंगे, एक स्पेशल प्रिफिक्स यूज करेंगे। अब ये स्पेशल प्रिफिक्स क्या है तो अगर हम इस पर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्पेशल प्रिफिक्स के लिए मैं क्या वर्ड यूज करने जा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स लिगेंड के लिए यूज करना, या तो ऐसे लिगेंड जिनमें क्या हो पहले से डाई ट्राई वाले वर्ड यूज हो, जैसे इथिलीन डाइएमिन टेट्राएसीटेट, तो वहां डाई ट्राई वर्ड पहले से यूज हो रहे हैं तो वहां पर आप लोग स्पेशल प्रीफिक्स यूज करेंगे। और स्पेशल प्रीफिक्स को कैसे यूज करना, तो मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 रहेगा जो नॉर्मल प्रीफिक्स है, जो नॉर्मल प्रीफिक्स है बच्चों, और ये मेरा स्पेशल प्रीफिक्स है, ध्यान दो। तो स्पेशल प्रीफिक्स नॉर्मल प्रीफिक्स में आप इसको क्या यूज करेंगे, डाई, बट स्पेशल प्रीफिक्स में आप इसको यूज करेंगे बिस, ठीक है। ये लेटर्स याद रखने पड़ेंगे। अगर नंबर आपका लिगेंड का 3 है बच्चों तो आप क्या बोलते हैं, ट्राई, बट यहां पर आप क्या बोलेंगे, ट्रिस। कब यूज करना है स्पेशल प्रीफिक्स, ये बात सबको समझ में आ रही है। लिगेंड क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स टाइप के लिगेंड होना चाहिए, और या फिर ऐसे लिगेंड जिनमें न्यूमेरिकल लेटर्स पहले से इन्वॉल्व हो, ऐसे लिगेंड के लिए आप लोग ये स्पेशल प्रीफिक्स यूज करना। 4 रहेगा बच्चों तो आप क्या यूज करते हैं, टेट्रा, बट यहां पर आप यूज करने लगेंगे टेट्रा किस, बड़ा प्यारा सा नाम है, मन मत भटकाओ। चलो 5 रहे तो ये हो जाता है पेंटा, और यहां पर क्या कहलाएगा, पेंटा किस। 6 नंबर रहे तो यहां तो आप हेक्सा लेटर यूज करोगे, बट बच्चों यहां हो जाता है हेक्सा किस। तो इस तरीके से आप लोग को न्यूमेरिकली चीजों को अरेंज करना है, ठीक है। स्पेशल प्रीफिक्स कब यूज होगा, नॉर्मल प्रीफिक्स कब यूज होगा, और एक और चीज, सिंपल आयंस के साथ कोई भी प्रीफिक्स यूज होगा ही नहीं। प्रीफिक्स केवल यूज होगा तो वो यूज होगा कोऑर्डिनेशन या सॉरी लिगेंड्स के लिए। लिगेंड्स के लिए आप प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई ट्राई टेट्रा जो भी प्रीफिक्स है। अगर वो कॉम्प्लेक्स लिगेंड होने लगे
तो फिर भैया स्पेशल टाइप के प्रीफिक्स हम यूज करेंगे। अब चलिए यहां तक की सारी बातें हम एग्जांपल ले लेके सीखते जा रहे हैं, तो कंफ्यूज मत हो ना। चलो अब रूल नंबर 4 #4। यहां पे बच्चे मैं आपसे स्टार्ट करता हूं नेमिंग ऑफ लिगेंड। पूरा रूल चल रहा है ना आईयूपीएससी के, हम रूल्स पढ़ रहे हैं फिर धीरे से क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो लिगेंड की अगर नेमिंग करनी है, देखो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप सबको पता है तीन चीजें होती हैं। जैसे मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहां पर कंसीडर किया, तो प्यारे बच्चों तीन चीजें होंगी, एक सिंपल आयन आएगा, एक लिगेंड आएगा और एक सेंटर मेटल आएगा। तीन चीजें से मिलकर आपका पूरा परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। और हमेशा तीन चीजें हो जरूरी नहीं है, ठीक है, बट मोस्टली ओके। तो आपने सिंपल आयंस की जो नेमिंग करनी थी वो तो आपने सीख ली कि उनके साथ कोई भी प्रीफिक्स आप यूज करना नहीं, सीधे उनकी नेमिंग कर देना। पोटेशियम है पोटेशियम है, क्लोरीन है क्लोरीन है, चाहे दो रहे चाहे तीन रहे चाहे पांच रहे, कोई हमको लेना देना नहीं है। अब मैं धीरे से एक एक चरण में आता हूँ, बच्चों एक एक स्टेप वाइज पढ़ाई करते हैं। और हम अब सीख रहे हैं किसकी नेमिंग, लिगेंड की। तो नेमिंग ऑफ लिगेंड में आप जान लीजिए, एक तो मैंने आपको पहले ही आपको बता रखा है कि कुछ लिगेंड्स अपने नेचर के हिसाब से उनके सफिक्स चेंज किए जाते हैं। अगर हमारा लिगेंड बच्चों नेगेटिव है, कैसा लिगेंड है नेगेटिव, तो आप सबको पता है उसमें आप ओ सफिक्स लगाते हैं। सारी लिगेंड की लिस्ट मैंने पहले से करा रखी है, प्रीवियस वीडियोस को आप लोग जरूर देखो। जैसे क्लोरीन है तो आप उसको क्या नाम देंगे, क्लोराइडो या क्लोरो। ऑक्सिलेट है, उसमें भी नेगेटिव चार्ज आता है, वो क्या हो जाता है ऑक्सिलेटो। कार्बोनेट है CO3-2, नेगेटिव लिगेंड कार्बोनेटो, लास्ट में ओ सफिक्स लगाते हैं आप लोग। ऐसे बच्चों अगर पॉजिटिव लिगेंड है हमारे पास, किस टाइप के लिगेंड है पॉजिटिव, तो हम उसमें क्या सफिक्स यूज करते हैं EM। मैंने इसके भी एग्जांपल कराए थे, NO प्लस हो जाए आप क्या बोलेंगे, NO प्लस है वो, नाइट्रोसोनियम, क्या कहते थे नाइट्रोसोनियम। तो ये पूरी लिगेंड की लिस्ट मैंने आप लोगों को लिखवा रखी है, ठीक है, और वो कैसे याद करना है वो सारी बातें भी हुई थी। और एक तीसरा हो सकता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास न्यूट्रल टाइप का लिगेंड हो, न्यूट्रल लिगेंड, तो प्यारे बच्चों न्यूट्रल लिगेंड में नेमिंग में कोई चेंज नहीं करते। न्यूट्रल लिगेंड में ड्यूरिंग नेमिंग कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं है। H2O है तो आप उसको एक्वा ही बोलेंगे, NH3 है तो आप उसको एमीन बोलेंगे। बट एक एक इंपॉर्टेंट रूल IUPAC में, वो अपने आप में एक रूल रहेगा कि NH3 है तो जब आप इसकी नेमिंग करेंगे ना बच्चों, तो याद रखिए 2012 IIT एडवांस में इस पे क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, तो वहां एमीन के स्पेल में AMM आता है। दिस इज अनदर रूल, ये एक रूल की तरफ प्रिटेंड करेगा। एमीन के स्पेल में आप याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, AMINE मत लिखना, AMMINE होगा। बट अब ये अमोनिया किसी के साथ जुड़ जाए और ये कुछ ऐसा हो जाए, तो अब इसकी नेमिंग करते समय बच्चों आप इसकी नेमिंग मिथाइल एमीन करेंगे। यहां पर आपको डबल एम यूज करने की जरूरत नहीं है, डबल एम केवल एक ही जगह यूज होगा और वो होगा अमोनिया NH3 के केस में। अगर ये किसी के साथ जाके कंपाउंड फॉर्म कर लिया है तब वहां पर आप केवल सिंगल एम यूज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का, ठीक है। ये तो हो गया लिगेंड के नेचर के बिहाफ से उनकी क्या क्या नेमिंग करनी है। एक और इसी में आप जान लीजिए लिगेंड से रिलेटेड ही एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करते जा रहे हैं। पहले हमने सिंपल आयन निपटा दिया, लिगेंड को अभी हम कंसीडर कर रहे हैं, उसके बाद मैं मेटल पे आऊंगा ताकि हम सारी चीजों को ध्यान से सीख सके और रिलेट करना। डियर स्टूडेंट अगर मान लीजिए आपने लिगेंड के नेचर के बिहाफ से तो आपने उसकी नेमिंग कर ली कि हाँ भैया नेगेटिव रहेगा वो लगा दूंगा, पॉजिटिव रहेगा ये करूंगा, न्यूट्रल रहेगा ये काम करना है। बट अगर कंपाउंड मेरा हेटरोलेप्टिक टाइप का हो जाए, दैट मींस कि उसमें अलग अलग टाइप के लिगेंड आने लगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक ऐसा बोल दिया कि K4 है, Cl भी है, NH3 भी है और En भी है और OX भी है, तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि इस कंपाउंड में नेगेटिव लिगेंड भी हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं। क्लियर हो रही बातें? तो इस टाइप के कंपाउंड के लिए आप लोग किस तरीके से IUPAC में सॉरी लिगेंड को फॉर्म करेंगे, तो याद रखिए कि फॉर हेटरोलेप्टिक कंपाउंड्स, हेटरोलेप्टिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स मौजूद रहे, नेगेटिव न्यूट्रल पॉजिटिव सब कुछ अलग अलग टाइप के लिगेंड्स आए,
तो हेट्रोलाइटिक कंपाउंड्स के लिए बच्चे जब आपको लिगेंड्स की नेमिंग करनी होगी तो आप समझ लीजिए यूज अल्फाबेटिक ऑर्डर, यूज अल्फाबेटिक ऑर्डर। कुछ बुक्स में जो पुराने जमाने की बुक्स थी, ठीक है, उसमें ऐसा बोलता था कि नेगेटिव लिगेंड को प्राइमरी पहले प्रेफरेंस देना, देन न्यूट्रल, पॉजिटिव को सबसे लास्ट में। बट अब ऐसा कोई रूल नहीं है, आईयूपीएसी ने रूल को अपडेट किया और उसने सारा टेंशन ही खत्म कर दिया। सीधे से बात आई कि अगर एक से ज्यादा टाइप के डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड अगर हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मौजूद होंगे बच्चों, तो आप अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए यहाँ क्लोरीन की स्पेलिंग सी से शुरू हो रही है, अमोनिया ए से स्टार्ट होगा, एथिलीन डायमीन ई से स्टार्ट होगा, ऑक्सिलेट ओ से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले मैं किसको नेम करूंगा, एमीन को, देन क्लोरीन को, फिर ये थर्ड और ये फोर्थ। तो आप अल्फाबेटिक सीक्वेंस यूज करेंगे, आप बिल्कुल ध्यान देने नहीं जाएंगे कि वो पॉजिटिव लिगेंड है, वो न्यूट्रल लिगेंड है, वो पॉजिटिव लिगेंड है, हमें उससे मतलब नहीं है। क्या करना, अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज कर लेना, ठीक। चलो तो यहां तक आपने सारी चीजों को सीखी, नेमिंग ऑफ लिगेंड हो गया। अब आ जाओ रूल्स नेक्स्ट में, अब हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ सेंटर मेटल। सेंटर मेटल की नेमिंग कैसे कर रही है, तो बच्चे जब आप सेंटर मेटल की नेमिंग कर रहे हैं ना, तो यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि नेमिंग ऑफ सेंटर मेटल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेमिंग ऑफ सेंटर मेटल डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन स्पीयर, चार्ज ऑन स्पीयर। स्पीयर पे जो चार्ज आएगा, सेंटर मेटल की नेमिंग उससे रिलेट करना। कैसे, तो पहला पॉइंट, अगर हमारा स्पीयर पे मान लीजिए ये मेरा मेटल है और ये लिगेंड होंगे एन टाइम्स, अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चों, तो यहां पर ये नेमिंग में हम लोग सफिक्स जो यूज करेंगे, नेमिंग में मैं जो सफिक्स यूज करूंगा, तो वो याद रखिए कि मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं होगा, मेटल के नेम में नो चेंज इन नेमिंग ऑफ मेटल। मेटल के नेम में आप कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं करेंगे, जैसे कोबाल्ट है आप कोबाल्टी बोलेंगे, निकिल है आप निकिली बोलेंगे, फेरम है आप फेरम ही बोलेंगे। तब जब उस पर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर स्फीयर पे न्यूट्रल चार्ज रहे, कोई चार्ज ही ना रहे, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो बच्चों ऐसे केस में भी आप याद रखिए कि मेटल के नेम में कोई चेंजेस नहीं लेना। बट बाय चांस अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्पीयर पर नेगेटिव चार्ज आ गया, कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया, माइनस वन, माइनस टू, कोई भी नंबर, तो बच्चों जब सेंटर कोऑर्डिनेशन स्पीयर पर, याद रखना मेटल की नेमिंग किस पर डिपेंड कर रही है, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्पीयर, सी स्पीयर मतलब कोऑर्डिनेशन स्पीयर, पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्ज रहा है, मेटल जस्ट का तैसा नाम लिया जाएगा, सिल्वर है सिल्वर ही बोला जाएगा, गोल्ड है गोल्ड ही बोला जाएगा, कॉपर है कॉपर ही बोला जाएगा। बट बाय चांस अगर मेटल पे नेगेटिव, सॉरी स्पीयर पे, कोऑर्डिनेशन स्पीयर पे नेगेटिव चार्ज आए बच्चों, तो याद रखना हम लोग वहां पर ATE सफिक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एट सफिक्स का विथ सेंटर मेटल। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान लीजिए हमारे पास क्रोमियम है, तो अब मैं इसको क्या नाम दूंगा, क्रोमियम से बन जाएगा क्रोमेट। मेरे पास आयरन है, आयरन से क्या बन जाएगा, आयरन को फेरम बोलते हैं, तो दिस शुड बी फेरेट। मेरे पास कोबाल्ट है, तो आप इसका नाम कोबाल्ट ना होके क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। निकिल है डियर स्टूडेंट, निकिल से क्या हो जाएगा, निकलेट। कॉपर है, कॉपर से आप क्या बोलेंगे, क्यूप्रेट। जिंक से जिंकेट। सिंपल सी बात है, मान लीजिए Hg है, Hg को मर्क्यूरी बोलते थे, अब मैं इसका नाम क्या दूंगा, मर्क्यूरेट। Hg का नाम क्या होता है, सिल्वर या अर्जेंटनम बोलते हैं, केमिस्ट्री नाम क्या है इसका, अर्जेंटनम, तो दिस शुड बी अर्जेंटेट। ठीक है, गोल्ड है Au, Au को ऑरम बोलते हैं, तो ऑरम से क्या बन गया, ऑरेट। ऑरेट बोलना, औरत मत बोल देना, ओके, बहुत भाग आओगे, ठीक है, ऑरेट। अब बोरॉन है, ये बोरेट कहलाएगा, सिलिकॉन है सिलिकेट कहलाएगा। तो इस तरीके से
आप मेटल की नेमिंग करेंगे, बट मेटल की नेमिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेशन इंटायरिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर के चार्ज को आपको फोकस करना है। पॉजिटिव न्यूट्रल लिगेंड के केस में पॉजिटिव और न्यूट्रल, स्फीयर के केस में नॉट लिगेंड, ओके गलत बोला गया, कोई मेटल के नेम में चेंज मत करना। आयरन आयरन कहलाएगा, कॉपर कॉपर कहलाएगा, बट बाई चांस अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये सारा सीक्वेंस आप एटी सफिक्स यूज करेंगे। चलिए तो ये सारी कहानी है, सबको सुनानी है। तो मेटल की नेमिंग कैसे होगी ये पूरी बात आप जान पाए, लिगेंड की नेमिंग कैसे होगी ये भी पूरी बात आप जाने। अब एक लास्ट जो रूल आपको बच्चों याद रखना है, ध्यान दीजिए, फाइनल रूल, रूल नंबर 5-6 जो भी होगा हमारे लिस्ट का। एक्चुअल में एक एक रूल के अंदर तो हम दो दो रूल सीख रहे थे। तो बच्चों आफ्टर नेमिंग ऑफ सेंटर मेटल, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर नेमिंग ऑफ सेंटर मेटल, सेंटर मेटल यूज, ये राइट ऐसे लिखिए, राइट देयर ऑक्सीडेशन नंबर, देयर ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर इन रोमन डिजिट, इन रोमन डिजिट विथ इट। अब ये क्या कह रहा है, तो सबसे पहले आप लोग ना सबकी नेमिंग करेंगे, आप लिगेंड की नेमिंग कर लेंगे, लिगेंड की नेमिंग के बाद ही तो मेटल की नेमिंग करनी है। अब मेटल की नेमिंग में कब चेंज होगा कब नहीं होगा ये बातें तो हमने सीखी, बट तो जैसे ही आप मेटल का नेम कंप्लीट करोगे, जैसे मान लीजिए आपने नेगेटिव चार्ज आ गया स्पीयर पे, आपने फेरेट लिखा, फेरेट के तुरंत बाद उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो मेटल गेन किया होगा आप उसको रोमन डिजिट में उसके साथ अटैच कर देंगे, ये एक रूल है। अब देखो आपको पता है कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिकली मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट लेते हैं और डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। सोडियम पे जनरली +1 चार्ज होता है बिकॉज वो डी ब्लॉक का नहीं होता है। अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। अब ये कैसे होगा तो वो डिपेंड करेगा आपको कंपाउंड पे। तो आप हमेशा ऐसा मत ले लेना कि भैया आयरन बोल दिया तो +2 ही होगा, वो डिपेंड करेगा कि कंपाउंड आपने क्या लिया है उसके हिसाब से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लाना पड़ेगा। और जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा उस नंबर को आपको क्या करना है, रोमन डिजिट में लिख के छोड़ देना है। तो हमने बच्चों रूल सीखा, अब एग्जीक्यूट करने आते हैं। तो आईपीएससी नेमिंग अब हम सीख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर करके। तो चलो मैं पहला एग्जांपल लेता हूं। इसमें बच्चों जब मैं आपको नेमिंग करा रहा हूं ना तो मैं नेमिंग में आपको 4 डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन पे बात करूंगा। आईपीएससी नेमिंग में हम 4 अलग अलग टाइप का लेंगे नेमिंग, और जितना हम पढ़ने वाले हैं उससे सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन आपसे आराम से डील हो जाएंगे। और वैसे भी मैं हमेशा कहता हूं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसके वीडियो तो मैं लाऊंगा ही। तो चलिए बच्चों टाइप 1 बात करते हैं। टाइप 1 में ऐसा होगा कि आप नॉर्मल सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन वाले कंपाउंड लेंगे, ठीक है। एक एक टाइप पे ध्यान देना, 4 अलग अलग टाइप की नेमिंग करनी है, 4 अलग अलग टाइप के कंपाउंड लेने हैं। तो पहला मान लीजिए मैंने ऐसा कंपाउंड लिया KF4FeCN6, कह रहा है आपको इसका आईपीएससी नेमिंग फॉर्म कीजिए। तो आप स्टेप वाइज आइएगा, पहला स्टेप 1, डियर स्टूडेंट स्टेप 1, आप इसको डिसोसिएट कीजिए, सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन में आप सेपरेट कीजिए। तो आपको पता है पोटेशियम पे +1 चार्ज आता है, 4 पोटेशियम एटम है, दैट मींस कि मैं समझ गया कि टोटल 4 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुए हैं और ये कंपाउंड न्यूट्रल है। तो अगर 4 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुए हैं तो इमीडिएटली इस स्फीयर के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे ताकि ये कंपाउंड अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखे। स्टेप 1 हो गया जिसमें आप लोग क्या करेंगे, स्फीयर के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर देंगे और इसी स्फीयर के चार्ज से तो आपको सेंटर मेटल की नेमिंग डिसाइड करनी है। तो डियर स्टूडेंट इस बार स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। तो आप ये बात समझ पाए कि भैया सेंटर मेटल के नेमिंग के लास्ट में ATE सफिक्स ऐड करेंगे, पॉजिटिव आ गया रहता तो नहीं करते। तो इस पॉइंट को करते ही आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है मेटल की नेमिंग के रिगार्डिंग। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, तो सेकेंड स्टेप मैंने बोला कि मेटल के नेम के बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देना है।
तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लाना पड़ेगा, किसका, मेटल का। तो बच्चे यहां से मेटल को मान लीजिए एक्स, अभी इसको भूल जाइए, सिंपल आयन वैसे ही बाहर था, उसको बाहर करो, हो गया बाहर वो। यहां इसको मैंने एक्स मान लिया, सीएन पे हम सबको पता सीएन पे माइनस वन चार्ज आता है, कितने हैं सिक्स, इक्वल कर दो स्पीयर के चार्ज से, इक्वेट कराना है स्पीयर के चार्ज से, ऑक्सीडेशन स्टेट लाना है। नॉर्मल रेडॉक्स में आपने देखा होगा, तो ये 6 इक्वल टू माइनस 4, तो माय डियर स्टूडेंट इस बार वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 6 उधर जाके प्लस 6 हो गया, तो x की वैल्यू आई प्लस 2, और यही x मेरा क्या है, उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंपल। अब थर्ड स्टेप आता है बच्चों, और वो थर्ड स्टेप होता है डायरेक्ट नेमिंग का, किसका, नेमिंग का। सारे रूल्स हमने सीख रखे हैं, नेमिंग अब परफॉर्म करना है। तो चलिए बच्चों, नेमिंग में मैंने पहले ही रूल बोला था, नेमिंग शुड कंसीडर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में कौन पढ़ रहा है, सिंपल एटम या सिंपल आयन, पहले उसको नेम करो। पर उसकी नेमिंग में आपको ये बात बता दी गई थी कि उसमें डाई ट्राई टेट्रा ये सब वर्ड यूज नहीं करना। तो यहाँ 4 पोटेशियम हो, चाहे 2 पोटेशियम हो, चाहे 3 पोटेशियम हो, हम लिखेंगे तो केवल पोटेशियम ही, क्लियर। अब बच्चों अब आ जाइए आप स्पीयर के अंदर, दो लोग हमेशा, लिगेंड और मेटल। यहां लिगेंड कैसा है, साइनाइड, कैसा चार्ज आ रहा है, माइनस, नेगेटिव लिगेंड। लिगेंड की नेमिंग का मैंने आपको रूल लिखा रखा है कि उनके साथ आप लोग डाई ट्राई वाला वर्ड यूज, प्रीफिक्स यूज करना। तो ये पोटेशियम हेक्सा साइनाइड एक नेगेटिव लिगेंड है बच्चों, तो उसमें ओ सफिक्स लगेगा, तो साइनाइड से क्या बन गया, साइनो, ठीक है, तो हेक्सा साइनो। अब किसकी बारी, मेटल की। मेटल की नेमिंग कहां से डिसाइड होगी, स्पीयर के चार्ज से। यहां स्पीयर पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, आपको पता है स्पीयर पे नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब मेटल की नेमिंग में एटी सफिक्स ऐड होगा, और माय डियर स्टूडेंट ये फेरम से बन गया फेरेट। और एट द लास्ट पे मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा उसको रोमन डिजिट में लिखना, तो यहां पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आया, रोमन डिजिट में लिख दिया, दिस इज द कंप्लीट नेम, हो गया आपका, ये पूरा कंप्लीट नेमिंग हो गई, आसान सी बात है। चलो अब थोड़ा दूसरा ले लेते हैं कंपाउंड, एक और इस बार ऐसे कंपाउंड लेता हूं, इसमें क्या था, जो केटायन था वो सिंपल था, एनायन जो था वो कॉम्प्लेक्स था। अब थोड़ा रिवर्स कर रहा हूं मैं आपके सामने, मान लीजिए ऐसे एक कंपाउंड ले लिया, इसमें चलो एक और नया रूल भी हम लोग को सीखने मिलेगा। स्टेप वन कर रहा हूं मैं, स्टेप वन बच्चों आप पहले तो इसको सेपरेट कीजिए, अलग अलग कर दीजिए। तो जैसे ही आपने इसको अलग किया, क्लोराइड भी क्या चार्ज आ गया, माइनस, ओके ठीक है, प्लस लगाया, बिकॉज यहां माइनस वन चार्ज इंड्यूस हुआ, इसलिए यहां पर क्या चार्ज आ गया, प्लस वन, आपको वहां पर जनरेट करना पड़ेगा। यहां पर आप देखिए, जो सिंपल आयन है वो एनायन है, और जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो केटायन है, जस्ट रिवर्स हो गया कंपाउंड, ठीक है। इसमें सिंपल आयन केटायन था, कॉम्प्लेक्स एनायन था, यहां पे कॉम्प्लेक्स केटायन है, सिंपल एनायन है। अब डियर स्टूडेंट आपको स्टेप टू पे जाना पड़ेगा। स्टेप टू क्या कहता है, इसकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ला, मान लो एक्स प्लस 2 टाइम्स। अमोनिया के बारे में आप सभी जानते हैं, अमोनिया पे कोई प्लस माइनस चार्ज आता नहीं है, ठीक है, तो वो न्यूट्रल लिगेंड है, जीरो, इक्वल टू स्पीयर के चार्ज से कोरिलेट कराओ तो कितना आया, प्लस वन। तो फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे ये पार्ट तो जीरो हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस वन, और ये है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मेटल के बाद रोमन डिजिट में यूज करना। नेमिंग में आ जाओ, पहला रूल जो पहले पढ़ा, जो लेफ्ट में पढ़ा, उसकी नेमिंग आप पहले करने वाले हैं। तो ये पार्ट इस बार कोऑर्डिनेशन एंटिटी पहले पढ़ रही है और सिंपल आयन बाद में पढ़ रहा है, तो पहले आप इसकी नेमिंग करेंगे। अच्छा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इंटर करने के बाद दो लोग आते हैं, मेटल और लिगेंड, पहले किसकी नेमिंग करते हैं आप लोग। स्टेप थ्री जो होता है हमारा सीधे नेमिंग ही होता है, तो हमने पढ़ा है कि मेटल लिगेंड में लिगेंड की नेमिंग पहले करना बच्चों, और डाई ट्राई वर्ड उनके साथ यूज करना। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डाई क्या है, NH3 के लिए रूल बताया ना मैंने, डबल एम यूज करना, ठीक है, तो दिस इज डाई अमाइन। मेटल की बारी, लिगेंड खत्म, मेटल, जब तक ये स्पीयर नहीं खत्म होगा, बहुत लोगों के दिमाग में ये डाउट आएगा, सर मेटल की नेमिंग सबसे लास्ट में करेंगे क्या, नहीं, स्पीयर के अंदर जितने लोग हैं उनमें मेटल की नेमिंग सबसे लास्ट में करेंगे। तो स्पीयर के अंदर अमोनिया था, हो गया खत्म, अब तुरंत मेटल लग जाएगा,
ठीक है। मेटल की नेमिंग कहां से डिसाइड होती है? स्पीयर के चार्ज से। क्या चार्ज आया है? प्लस चार्ज, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे? सिल्वर या अर्जेंटनम, जो बोलना चाहो सिल्वर, कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज स्पीयर पे पॉजिटिव चार्ज हो तो मेटल के नेम में कोई चेंजेस नहीं आता, और तुरंत उसके साथ उसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन डिजिट में। यहां तक का कहानी खत्म, लेफ्ट वाली चीजें निपट गई, अब राइट में आऊंगा बच्चों। ये क्या है? क्लोराइड आयन है, तो आप भी इसको क्या यूज करेंगे? क्लोराइड यूज करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी डाउट आ सकता है, सर इसको ये तो नेगेटिव आयन है तो इसको क्लोराइडो बोलो। नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये लिगेंड नहीं है ना, लिगेंड बनता ना तब आप इसको क्लोराइडो बोलते, वो सफिक्स यूज करते, पर ये स्पीयर के बाहर है, स्पीयर के बाहर वाले लिगेंड नहीं कहलाते हैं, सिंपल आयन कहलाते हैं, और उसमें आपको कोई भी ईएम या ओ सफिक्स ऐड करने की नेसेसिटी नहीं है, क्लोराइड है क्लोराइड कहलाएगा। तो इस तरीके से आप लोग आईयूपीएसी नेमिंग फॉर्म करेंगे, ठीक है बच्चों। अब एक दो क्वेश्चन और हम लोग देखा जाए इस वीडियो में, मैं बेसिकली टाइप वन के ही अच्छे से क्वेश्चन आप लोग को दिखा रहा हूं, और टाइप टू भी कवर करने का प्रयास करूंगा, देन टाइप थ्री टाइप फोर के लिए एक और वीडियो आएगा, उसमें हम लोग चीजों को डील करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस बार मैं ऐसा करता हूं कि मैं थोड़ा सा दो अलग अलग टाइप के लिगेंड यूज कर रहा हूं। स्टेप वन, इमीडिएटली चलो काम में लग जाओ, क्या करने वाले हो? सीओ एन एच थ्री फाइव सी एल, सी एल पे क्या चार्ज आता है? माइनस, कितने हैं? टू, तो टू नेगेटिव चार्ज हुआ है, इसलिए स्पीयर पे दो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। स्टेप टू इसको आपने क्या कंसीडर किया बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट लाना रहता है ना, तो प्लस एक्स फाइव, अमोनिया पे क्या चार्ज आता है? जीरो, प्लस क्लोरीन का माइनस वन, इक्वल करना स्पीयर के चार्ज से, स्पीयर पे क्या चार्ज है? प्लस टू। तो मेरे डियर स्टूडेंट यहां पर आपको फाइनली कितना मिल रहा है, इसको सॉल्व कीजिए, ये माइनस वन उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस वन, तो प्लस टू प्लस वन, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस थ्री, और ये उसका क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेप थ्री तो डायरेक्ट नेमिंग को रिपोर्ट करता है, जो लेफ्ट में चीजें उनको पहले निपटाऊ, पर इस बार दो अलग अलग लिगेंड है, ये हेट्रोलेप्टिक टाइप का कंपाउंड बन गया। हेट्रोलेप्टिक टाइप के कंपाउंड में हमने सीखा था कि इसकी स्पेलिंग ए से है और इसकी स्पेलिंग सी से है, आप कौन सा ऑर्डर यूज करते हो? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब बिल्कुल ध्यान मत देने जाना सर ये न्यूट्रल है ये नेगेटिव है, भूल जाओ, आईपीएससी ने अपडेट कर दिया अपने रूल को, आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखिए। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते समय ये मत देखना कि सर ये पेंटा है तो ये पीसी हो गया, नहीं, लिगेंड का नाम देखो, केवल लिगेंड का नाम, अमाइन है ए से, पेंटा है अमाइन बोलूंगा, नंबर नहीं देखना, लिगेंड का नाम देखना, ठीक है। तो हम अमाइन वाले लेटर को पहले यूज करेंगे, बट वो कितने हैं? फाइव, तो फाइव होने के कारण बच्चों हम क्या बोलेंगे? पेंटा, और अमाइन में तो डबल एम यूज करना ही है, ये तो रूल है। फिर ये क्या है? क्लोरो, क्लोरो कैसा लिगेंड है? नेगेटिव, तो बच्चों इसको हम लोग ओ सफिक्स लगा के लिखेंगे, क्लोराइडो। एक बात और नोटिस कर रहा, अगर आप एनसीईआरटी से प्रेफर कर रहे हैं तो वो हैलाइडो वर्ड यूज करता है, बट बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स हेलो वर्ड यूज करते हैं, तो कई बुकों में आपको क्लोराइडो मिलेगा, कई बुक्स में आपको क्लोरो भी मिलेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मीनिंग सेम है, ठीक है, वो सफिक्स आपको ऐड करके रखनी है। तो क्लोराइड हो गया, अब किसकी बारी? स्पीयर के अंदर लिगेंड तो मैंने निपटा दिए, मेटल, मेटल की नेमिंग कहां से? स्पीयर के चार्ज से। कैसा चार्ज आया इस स्पीयर पे बच्चों? पॉजिटिव, दैट मींस कि मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये कोबाल्ट है और ये कोबाल्ट ही रह जाएगा, बट इमीडिएटली उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको रोमन डिजिट में यहां लिखना है, और आईपीसी का रूल तो सबको पता है, स्पेस नहीं रखा जाता, इसलिए मैं भी स्पेस नहीं रख रहा हूं। और एट द लास्ट में कितने क्लोरीन है? दो, पर लेना देना है नहीं, क्यों? क्योंकि स्पीयर के बाहर में टू हो थ्री हो फोर हो डाइट्राइड टेट्रावर्ड सिंपल आयंस के लिए आप यूज नहीं करोगे, ये क्लोराइड है और अभी भी क्लोराइड ही कहलाएगा, डाइक्लोराइड मत बोल देना, क्योंकि डाइट्राइड टेट्रा ये सब वर्ड केवल लिगेंड्स के लिए है, लिगेंड वीआईपी है, अपने लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं, सिंपल आयन सिंपल है, नहीं यूज करते प्रीफिक्स, याद रखना इस बात को। तो दिस इज द कंप्लीट नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, मान लीजिए हमारे पास दिया है NiCO4, ओके,
स्टेप वन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई सिंपल आयन है नहीं, तो सेपरेट करने का कोई नेसेसिटी नहीं है। स्टेप टू, ऑक्सीडेशन स्टेट हाँ लाना पड़ेगा, एक्स प्लस फोर टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको पता है इसमें भी कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल लिगेंड की लिस्ट में मैंने इसको लिखवाया था, इक्वल टू स्पीयर पे क्या चार्ज है, नथिंग, जीरो से इक्वेट कराना। तो प्यारे बच्चों इस बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का कितना आ गया, तो वो हो गया जीरो, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, जीरो। डायरेक्ट आते हैं स्टेप थ्री, नेमिंग पे। नेमिंग में हमको पता है यहां पर तो कोई सिंपल आयन है नहीं, लेफ्ट राइट वाला टेंशन ही नहीं है, आप सीधे आइए स्पीयर के अंदर, स्पीयर के अंदर कोऑर्डिनेशन, स्पीयर के अंदर मेटल है, लिगेंड है, मेटल में कितने हैं, फोर, तो आप क्या यूज करेंगे, टेट्रा, क्योंकि लिगेंड की नेमिंग में प्रीफिक्स यूज करना है, उसके लेटर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कितने नंबर हैं। सीओ को बच्चे हम लोग क्या नाम देते हैं, कार्बोनिल, सीओ को हम लोग क्या नाम देते हैं, कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड मत बोलना, यहाँ पर सीओ को आप कार्बोनिल वर्ड यूज करते हैं, लिगेंड की लिस्ट में मैं ये बात बताया हूं। और स्पीयर पे क्या चार्ज आया बच्चे, जीरो, पहले से आपको ये बात पता है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा है कि स्पीयर पे पॉजिटिव चार्ज हो या जीरो चार्ज हो, मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं होगा, ये अभी भी क्या कहलाएगा, तो निकिल ही कहलाएगा, और उसके साथ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, ये जीरो लिखना जरूर, छोड़ मत देना, ठीक है, जीरो है, जीरो ही लिखेंगे, ठीक है। तो कितना आसान है ये सारी चीजों को डील करना, ठीक है, तो आप सारी बातों को समझ पा रहे हैं कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग को इजीली हम लोग को डील करना है। चलो एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, अब इस बार मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड लिगेंड लूंगा, फॉर एग्जांपल बच्चों मान लीजिए हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ये जो लिगेंड है आप सबको पता है C2O4, लिगेंड के पूरे लिस्ट में मैंने इसको भी कराया है, क्या है ये, ऑक्सलेट आयन, कौन सा आयन है ये, ऑक्सलेट आयन, जो एक कॉम्प्लेक्स आयन की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। अब बच्चों इसकी जब नेमिंग करनी होगी तो आपको समझ में आया, पोटेशियम पे थ्री चार्ज प्लस Fe C2O4 थ्राइस, यहाँ पे प्लस थ्री है तो यहाँ पे माइनस थ्री इंड्यूस हो जाएगा, स्टेप वन कंप्लीट। स्टेप टू आप x कंसीडर, इसको भूल जाओ, थ्री टाइम्स ऑक्सिलरी टाइम में बच्चों आप देख पा रहे हो कितने में चार्ज आ रहे हैं, माइनस टू इक्वल टू माइनस थ्री, तो माय डियर स्टूडेंट x माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस थ्री, तो ये माइनस सिक्स उधर जाके क्या हो गया, प्लस सिक्स, और फाइनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कितना आया, तो वो आ गया हमारे पास प्लस थ्री, इज इट क्लियर। अब आ जाइए नेमिंग में, स्टेप थ्री, सिंपल सी बात है, पहले जो पढ़ा उसको पहले निपटाओ, बट डाइट्राई वर्ड यूज मत करना, बार बार कह रहा हूं मैं, तो दिस इज ओनली पोटेशियम नॉट ट्राई पोटेशियम, क्योंकि वो सिंपल आयन है, सिंपल आयन के साथ प्रीफिक्स यूज नहीं करना, प्रीफिक्स यूज करना लिगेंड के साथ, ठीक है। तो पोटेशियम, अब आया स्पीयर के अंदर मेटल और लिगेंड, पहले कौन, लिगेंड, तो दिस इज ट्राई, ऑक्सिलेट पे नेगेटिव चार्ज आया है तो वो सफिक्स यूज करना, तो दिस इज ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो या ट्रिस ऑक्सिलेटो भी बोल सकते हो, एज वेल एज। अब आ जाओ मेटल, मेटल में क्या है बच्चों, फेरम आयरन है, स्पीयर पे क्या चार्ज है, क्योंकि मेटल की नेमिंग स्पीयर के चार्ज से रिलेट करेगी, स्पीयर पे है नेगेटिव चार्ज, इसलिए फेरम से क्या हो रहा है, फेरेट। मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए कि मेटल की नेमिंग स्पीयर से लेना, लिगेंड में कब सफिक्स लगाना वो उनके नेचर से डिसाइड करना, ठीक है, ये सब चीजें हैं, ये कंप्लीट नेम हो गया। चलो बच्चों अब मैं एक काम करता हूं कि मैं टाइप टू कराता हूं आपको, टाइप टू में कैसे क्वेश्चन आते हैं ध्यान दीजिएगा, आयंस रहेंगे ये लोग, कैसे रहेंगे, आयंस, आयनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिए मान लीजिए इस बार हमें ऐसा दिया है CO, या ऐसा एक एग्जांपल लेता हूं पहले सिंपल सा, लाइक दिस। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ये तो पहले वाले टाइप से और ज्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि इसमें स्पीयर पे क्या चार्ज आएगा इसलिए तो पहले से ही कंसीडर कर दिया है। आपको क्या करना पड़ता था, आप इसको डिसोसिएट करते थे वाटर वाटर में डाल के, ठीक है, और स्पीयर पे चार्ज जनरेट करते थे, यहां तो पहले स्टेप का टेंशन ही खत्म कर दिया ना, स्टेप वन का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इसमें डायरेक्टली आपको
स्पीयर पे क्या चार्ज आ रहा है वो मेंशन कर रखा है। तो अब आप क्या करिए, आप डायरेक्टली स्टेप टू में आइए और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लाइए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लाइए। क्लोरीन का माइनस वन होता है, इक्वेट करो बच्चों स्पीयर की चार्ज से। तो एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस टू, एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, ये इधर से उधर गया, हो गया माइनस से प्लस, एक्स की वैल्यू बच्चों प्लस टू। कितने आदमी थे सरदार दो, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया प्लस टू आया। अब बच्चों आ जाओ मीनिंग में, कोई दाएं बाएं वाला सिस्टम है ही नहीं, डायरेक्ट स्पीयर में आओ, लिगेंड को पहले निपटाओ। क्या हो गया टेट्रा क्लोरो है, एक नेगेटिव लिगेंड, तो उसको आप क्या बोलोगे क्लोराइडो, क्या यूज करेंगे क्लोराइडो। निकिल मेटल बचा, लिगेंड तो खत्म हो गया, मेटल की नेमिंग कहां से डिसाइड करना है, स्पीयर के चार्ज से। स्पीयर पे कैसा चार्ज है नेगेटिव, तो एटी सफिक्स लगेगा, तो दिस इज निकिल से क्या बन गया निकिलेट। और लास्ट में तो रोमन डिजिट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे। पर एक और इंपॉर्टेंट रूल यहां ऐड होगा बच्चों, अगर आपको कंपाउंड क्वेश्चन में ही आपको कंपाउंड किस फॉर्म में दिया था, आयनिक फॉर्म में दिया है, तो लास्ट में बेटा आप आयन जरूर लिख देना, सारा रूल सारा रेगुलेशन वैसे ही चलेगा। लास्ट में आप क्या यूज करोगे आयन ऐड कर देना, क्योंकि क्वेश्चन आपको आयनिक फॉर्म में दिया था। अगर क्वेश्चन न्यूट्रल फॉर्म में दिया है कोई आयन वर्ड यूज मत करना, बट यहां पर क्वेश्चन आयनिक फॉर्म में दिया था, टाइप टू है ये, आयन लेटर अलग से आप उसमें एट द एंड सारा नेमिंग वेमिंग करने के बाद अटैच कर देंगे, सिंपल सा। तो टाइप टू तो बहुत आसान रहा, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद टाइप थ्री टाइप फोर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए ध्यान देना बच्चों, मान लीजिए हमें दिया है सीओ एन थ्री प्लस थ्री, ये क्वेश्चन है हमारे पास एक सीओ एन थ्री प्लस थ्री। तो चलिए टेंशन तो है नहीं, स्टेप वन पहले ही पता चल गया स्पीयर में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं होगा, मेटल जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब इसकी बारी, पहले आप ईएन का मतलब समझो बच्चों, ईएन का मतलब चलो मैं यहां हटा दे रहा हूं ना, मैंने आप लोग को लिगेंड की जब लिस्ट लिखवाई है ना तो मैंने वहां पर मेंशन किया है ईएन मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन, मतलब CH2 CH2 NH2 NH2, याद आया, एक न्यूट्रल सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, सारी बातें मैं पहले से बताते आया हूं, दिस इज अ न्यूट्रल सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। क्या नाम होता था एथिलीन, डाइएमीन, मैंने पहले ही बोल दिया एमीन का केवल NH3 रहे तो डबल एम यूज करना, अदरवाइज केवल सिंगल एम, या कई बार इसको बच्चों इथेन 1-2 डाइएमीन के नाम से भी जानेंगे, अलग अलग बुक में, जैसे मान लो ये 1 है ये 2 है, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन हो गया, और फर्स्ट और सेकंड रैंक पे एमीन लगा है तो दिस इज इथेन 1-2 डाइएमीन, सिंपल, ठीक है। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ये भी वो भी चलेगा, अलग अलग बुकों में दोनों दे सकता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, इथेन 1-2 डाइएमीन में डाई वर्ड पहले से आया है, और मैंने आपको जब नंबरिंग जब रूल सिखा रहा था तो मैंने पहले ये बात आपको बता रखी थी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स आएंगे जिनमें पहले से डाइट्राई प्रीफिक्स यूज हो रहा होगा, तो उनके लिए आप स्पेशल प्रीफिक्स यूज करना, ठीक है। तो यहां इस कंपाउंड में स्पेशल प्रीफिक्स यूज होगा, और ये जो थ्री है इसको ट्राई ना बोल के इस बार हम क्या नाम देंगे ट्रिस, क्या नाम देंगे ट्रिस, ठीक है। और क्या लिखा अंदर, इथेन 1-2-diamine, दिस इज ट्रिस इथेन 1-2-diamine। आप चाहे दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते थे, आपकी मर्जी थी, इथेन 1-2-diamine, लिगेंड कंप्लीट, मेटल में आया, मेटल की नेमिंग स्पीयर के चार्ज से रिलेट करती है, यहां स्पीयर में बच्चे पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई ये केवल क्या कहलाएगा कोबाल्ट, इसके नेमिंग में चेंज मत करना, एटी सफिक्स मस्ट यूज करना, क्योंकि वो तभी यूज होता है जब इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो कोबाल्ट हो गया। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैंने लाया ही नहीं, चलो चलो यहां ध्यान से देख लो, इस पे एक्स मान लिया प्लस, इथेन 1-2-diamine के बारे में मैंने आपको बताया कि न्यूट्रल, शायद गलत बोल दिया, ध्यान देना, न्यूट्रल सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होता है, कैसा होता है न्यूट्रल सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाया था आपने देखा उस पर कोई चार्ज नहीं आया था, तो न्यूट्रल है इसलिए जीरो चार्ज,
कितने हैं 3, इक्वेट करो प्लस 3 से, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, केवल प्लस 3, और उसको आपको रोमन डिजिट में लिखना है, हो गया नेमिंग। पर क्वेश्चन आयनिक फॉर्म में दिया था तो लास्ट में आप आयन वर्ड अटैच कर देना। तो बहुत आसान है ये आईयूपीएसी नेमिंग करना सेंटर मेटल्स की, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की है। दो फॉर्मेट आज हमने सीखा बच्चों, ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन हो या कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन हो, उनकी नेमिंग कैसे करना। हेटरोलेप्टिक टाइप के कंपाउंड हो जाए, एक से ज्यादा टाइप की लिगेंड आए, अल्फाबेटिक ऑर्डर को प्रेफरेंस में रखना, रूल्स को जाना, और लास्ट में आयनिक कंपाउंड अगर आए तब भी आप आईयूपीएसी नेमिंग कैसे फॉर्म करेंगे। एक और अच्छी बात आपको बता दूं बच्चों, हमारे इस चैनल का नाम है निट्ज़ी गुरु, टेलीग्राम पे निट्ज़ी गुरु नाम का ही एक टेलीग्राम पे भी चैनल है, और ये जितनी भी चीजें होती हैं इनसे रिलेटेड नोट्स वहां पर वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो वहां से अभी देखिए क्लास में तो हमने हार्डली 5-6 क्वेश्चन डील किए, वहां मैंने अराउंड 50 क्वेश्चंस के आसपास आपको दिया है ताकि आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। तो नोट्स वाला जो मटेरियल है वो सारी चीजें टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होते रहेंगी हर एक चैप्टर के से रिलेट करते हुए, ठीक है। तो बाकी आगे का जो कंटेंट है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, जिसमें दो टाइप के और कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट बचे हैं और उनको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि वो थोड़े टफ रहेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, हैव अ ग्रेट।